जय हिंद। आई है छोटी सी सूचना यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद की। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद की तरफ से आया है नोटिफिकेशन 11 जून 2021 को, और ये नोटिफिकेशन है उन सभी ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए किया था अप्लाई और दिया था एंट्रेंस एग्जामिनेशन 20 और 21 के सेशन के लिए। जी हाँ, यदि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद में 21 और 20 के सेशन के लिए दी थी पीएचडी की प्रवेश परीक्षा और आ चुकी है आपके प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट और अब आपको प्रतीक्षा है अपने इंटरव्यू की, तो उसी को लेकर आई हैं 2-3 सूचनाएं जिसकी मुझे करनी है आपसे बातचीत। आपके पास जितना समय और जितनी समझ हो उतना इस वीडियो को देखिएगा, और कुछ सवाल हो मुझसे इस सूचना को लेकर तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, आपको जो ठीक लगे अपने अनुसार कीजिएगा। ये नोटिफिकेशन का लिंक मिलेगा वेबसाइट पर और वेबसाइट का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलते हैं नोटिफिकेशन पे। क्या कहता है नोटिफिकेशन? आपको तारीख याद रखनी है 25 जून 2021। क्या है इस तारीख को उसकी बात करेंगे, एग्जामटेड कैटेगरी की भी बात करेंगे, जिन बच्चों का JRF है उनकी भी बात करेंगे, और जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई कर गए हैं उसकी भी बात करेंगे, रिसर्च प्रपोजल की भी बात करेंगे। यानी ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस वीडियो में। पहले हम बात करते हैं तारीख की, 25 जून 2021। 25 जून 2021 तक कैसे भी आप अपने अपने रिसर्च प्रपोजल को टाइप करके, जो उसका फॉर्मेट होता है उसके अनुसार, अपने अपने विभाग में सेंड कर दीजिएगा बाय पोस्ट के माध्यम से। सेंड मैंने बोला है तो ईमेल मत समझिएगा, आपको बाय पोस्ट भेजना है, ठीक है। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है PhD on 4 before 25th June इन दी ऑफिस डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद, यानी कि अपने विभाग में आपको अपने अपने रिसर्च प्रपोजल को भेजना होगा। अब यह रिसर्च प्रपोजल आपको टाइप करके भेजना है या हैंड रिटन भेजना है, इसकी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन में नहीं है। इसके लिए संपर्क कीजिएगा अपने अपने विभाग से, ठीक है। दूसरी चीज, रिसर्च प्रपोजल के साथ क्या एप्लीकेशन फॉर्म और क्वालिफाई, जो आपके मार्क्स आए हैं उसकी कॉपी, कोई एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स या अपनी कोई फोटोग्राफ, ये सब भेजनी है या नहीं, इसके बारे में भी नोटिफिकेशन कुछ नहीं कहता है। इसके लिए भी अपने अपने विभाग से संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन है, आप जाके पढ़ भी सकते हैं। जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई हुए हैं CRET, ठीक है, जो बच्चे CRET क्वालिफाई हुए हैं उन बच्चों को भी अपना रिसर्च प्रपोजल बनाकर अपने अपने विभाग में भेजना होगा। क्योंकि लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद का, जिसमें मैंने आपको सीट्स को लेकर और गाइड को लेकर और रिसर्च प्रपोजल को लेकर आपको बताया था, उसमें मैंने यही भी कहा था कि जून के 3rd या 4th week तक नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और जो ये नोटिफिकेशन आया है अभी यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद ने तो निकाला है, लेकिन एक ही डिपार्टमेंट का है ये नोटिफिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आया ये नोटिफिकेशन, लेकिन जो तारीख दी गई है 25 जून की, तो मानकर चलिए यदि आपके भी डिपार्टमेंट का नोटिस आता है, चाहे आप लॉ के हों, कॉमर्स के हों, लिटरेचर के हों, सोशल साइंस के हों, तो आपका भी जो रिसर्च प्रपोजल की डेट रहेगी वह 20 से लेकर 25 से 28 जून के बीच में ही रहेगी, तो अपने आप को भी तैयार रखिएगा, ठीक है। तो जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई हुए हैं, जो बच्चे JRF हैं, जो बच्चे नेट हैं, जो बच्चे एग्जामटेड हैं किसी और अलग आधार पे, उन सभी को रिसर्च प्रपोजल भेजना है अपने अपने विभाग में 25 जून तक। एजुकेशन डिपार्टमेंट के बच्चे खासकर ध्यान से इस बात को सुने, क्योंकि यदि आप रिसर्च प्रपोजल नहीं भेजते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं है कि रिसर्च प्रपोजल बाय पोस्ट से भेजना है या ईमेल से भेजना है, इसके लिए विभाग से जरूर संपर्क कर लीजिएगा, और संपर्क नहीं करेंगे तो लॉस विभाग का ना होगा, ना यूनिवर्सिटी का होगा मेरे बच्चों, और ना ही मेरा होगा, नुकसान होगा उन सभी का जिन्होंने अप्लाई किया यूनिवर्सिटी अलाहाबाद में पीएचडी के लिए, ठीक है। और इस नोटिफिकेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, और हाँ 26 जून मत समझिएगा, 25 जून से पहले अपने रिसर्च प्रपोजल को भेज दीजिएगा। रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है उसके लिए कई वीडियो बनाए हैं, उनको देख लीजिएगा। सभी के बारे में यहाँ नहीं बता पाऊँगा, लिंक नहीं शेयर कर पाऊँगा, क्योंकि समस्याएं बहुत होती हैं, समय बेहद कम रहता है, एक दिन में 5-7 वीडियो बनाना, फ़ोन अटेंड करना, अपनी भी पढ़ाई लिखाई ये जॉब है। तो ये आया है नोटिफिकेशन, और इंटरव्यू की डेट 28 या 30 जून तक आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, आपको हो सकता है मेल आ जाए, ये संभावित है, नहीं तो वेबसाइट पर जाके सूचनाएं देख लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे नहीं पता, आपने कितना देखा ये भी नहीं पता, कितने लाइक कमेंट किए ये जरूर पता है,
लेकिन अगले वीडियो का वेट कीजिएगा, एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे और एएमयू को लेकर डिटेल में वीडियो बना दिया गया है। फॉर्म भरने को भरने से लेकर पीएचडी के एंट्रेंस तक नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, बहुत कुछ है उस आधे घंटे के वीडियो में, देखिएगा। यदि आपको ठीक लगे और आपके पास समय हो तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए, किताबों के पास रहिए, अपनों के पास रहिए, सीखते रहेंगे जब तक, जीतते रहेंगे तब तक। जय हिंद, जय भारत।